नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार प्रशासनिक सेवा के 51 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी। बिहार में आज से बदले दाखिल खारिज के नियम। शुरू हुई बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। इंदौर टेस्ट में 109 रनों पर सिमटी भारत की पहली पारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार प्रशासनिक सेवा के 51 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 51 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। बता दें कि इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग में की गई है। मालूम हो कि 5 मार्च को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रथम चरण का परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। इन सभी 51 पदाधिकारियों को इस परीक्षा के पुनर्परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्ति दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार इनकी प्रतिनियुक्ति 3 मार्च से 5 मार्च तक रहने वाली है। जिन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है उनमें विनोद कुमार, स्वप्निल, कमलेश सिंह, कृष्ण कुमार सिन्हा समेत कई नाम शामिल हैं। बिहार में आज से बदले दाखिल खारिज के नियम। आज से यानी कि 1 मार्च से बिहार में दाखिल खारिज के नियम बदल गए हैं। बता दें कि अब से सूबे के सभी 534 अंचलों में दाखिल खारिज के मामले का निपटारा अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी के द्वारा निपटाए जाएंगे। इसके अलावा आज से दाखिल खारिज में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नियम का भी पालन किया जाएगा। यानी कि जो आवेदन लेकर पहले आएगा उसका काम पहले किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल यह व्यवस्था 5 अंचलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। वहीं आपको मालूम हो कि सम संख्या वाले हलका का काम राजस्व अधिकारी के द्वारा पूरा किया जाएगा, तो वहीं विषम संख्या वाले हलका के दाखिल खारिज का काम अंचलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी। होली आने वाली है और ऐसे में बिहार के लोगों को महंगाई ने एक नया झटका दे दिया है। बता दें कि राज्य में आज से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में अब 350 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि अब बिहार की राजधानी पटना के उपभोक्ता को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 1201 रुपए चुकाने होंगे, जबकि पहले 1051 रुपए देने पड़ते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 8 महीने बाद बढ़ोतरी की गई है। मालूम हो कि त्योहार के मौके पर रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी होना लोगों में खास परेशानी और निराशा है। 72 साल के हुए सीएम नीतीश कुमार। आज यानी कि 1 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 72 साल के हो गए। बता दें कि सीएम नीतीश का जन्म आज ही के दिन 1951 में पटना जिला के बख्तियारपुर में हुआ था। वहीं नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी, लालू यादव समेत कई दिग्गज नेताओं के द्वारा उन्हें बधाई दी गई है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं राज्य सुप्रीमो लालू यादव ने लिखा है, हमारे पुराने मित्र छोटे भाई बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सफल, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। इसके अलावा सीएम नीतीश को बधाई देने वालों में बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, अरविंद केजरीवाल, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। वेल में पहुंच बीजेपी ने लहराया पोस्टर। सोमवार को शुरू हुई बिहार विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन रहा। बता दें कि बीते दिन यानी कि बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन संसद में बजट पेश किया गया था। वहीं आज यानी कि तीसरे दिन सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही विपक्षी सदस्यों के द्वारा नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसके साथ ही बीजेपी के द्वारा वेल में पहुंचकर हंगामा करते हुए पोस्टर भी लहराया गया। इस हंगामे को देखते हुए सभापति के द्वारा मार्शल को आदेश दिया गया कि वे बीजेपी विधायकों के हाथों से पोस्टर ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेल में मौजूद बीजेपी विधायकों के द्वारा हाथों में पोस्टर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। वहीं स्पीकर के द्वारा विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल को शुरू कर दिया गया। शुरू हुई बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। आज से यानी कि बुधवार से बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की शुरुआत हो गई है। बता दें कि राज्य भर में 172 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही इस काम में 27,000 परीक्षक लगाए गए हैं। वहीं समय पर मूल्यांकन से जुड़े कामों को पूरा किया जा सके इसके लिए मूल्यांकन का कार्य 2 शिफ्टों में किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से शुरू हुई बिहार बोर्ड मैट्रिक उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का काम 12 मार्च तक
चलने वाला है, जिसमें बीच में 7 और 9 मार्च को होली को देखते हुए अवकाश देकर मूल्यांकन कार्य को स्थगित रखा गया है। वहीं वैसे शिक्षक जो मूल्यांकन कार्य में अपना योगदान नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध बोर्ड की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का निधन। आज सुबह चेन्नई में पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का निधन हो गया। बता दें कि जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय किडनी की समस्या से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। मालूम हो कि उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में अपना कार्यभार 22 मई 2017 को ग्रहण किया था और इसी बीच उन्हें अपने किडनी से जुड़ी बीमारी का पता चला था, जिसके बाद उनका किडनी प्रत्यारोपण भी किया गया था, लेकिन आज सुबह चेन्नई में उनका निधन हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का जन्म 4 दिसंबर 1962 को हुआ था। उन्होंने अपनी LLB और LLM की डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से ली थी। इसके बाद उन्होंने पटना लॉ कॉलेज चाणक्य के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया और फिर 2010 से 2017 तक राज्य सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर भी कार्य किया। 3 साल बाद भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड्स का आयोजन। कोरोना काल के 3 साल बाद बॉलीवुड के तर्ज पर आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी सिनेमा के सितारों का जमावड़ा लगने वाला है। बता दें कि इस अवार्ड शो में भोजपुरी के कई बड़े सितारे अपना जलवा बिखेरने वाले हैं। वहीं इस इवेंट में बॉलीवुड के भी कुछ स्टार्स नजर आएंगे, लेकिन इस बार इस अवार्ड शो में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह शामिल नहीं होने वाले हैं। माना जा रहा है कि वह इन दिनों अपने काम को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं, यही वजह है कि अवार्ड शो के लिए अपना समय नहीं निकाल पाए। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच चल रहे घमासान विवाद की वजह से इस अवार्ड शो में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। शराब तस्करों ने तस्करी के लिए अपनाया नया तरीका। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करों के द्वारा तस्करी के लिए रोज नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर 15 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 177 लीटर देसी और 666 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने एक इनोवा कार, एक एम्बेसडर कार, 3 बाइक और 1 साइकिल भी बरामद किया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार शराब तस्करों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार के हेडलाइट में शराब छिपाकर गोपालगंज लाया जा रहा था। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्करों में 2 की पहचान मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के धनोज गांव निवासी अजय महतो और दूसरा दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीर चंद्र का रहने वाला सुखराम महतो के रूप में किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई पूरी। 28 फरवरी को दरभंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा आधुनिक सिविल एनक्लेव के निर्माण, रनवे के विस्तार और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2 किस्तों में भूमि अधिग्रहण करने के लिए 342.43 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर शेष जमीन अधिग्रहण के काम को पूरा कर लिया गया है। यानी कि अब जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं बिहार सरकार के जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आभार व्यक्त किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम कुल 2,82,16,33,532 रुपए में किया गया है। वहीं इस एयरपोर्ट पर आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होने से यहां से आने जाने वाले लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। मिस इंग्लैंड 2022 की फाइनलिस्ट पहुंची बिहार विधानसभा। बीते दिन बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अचानक विधान परिसर में मिस इंग्लैंड 2022 की फाइनलिस्ट इंडिया फैनविक पहुंच गए। इस दौरान फैनविक ने परिसर में रुककर मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की और अपना परिचय देते हुए विधानसभा में आने का कारण बताया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि वह बिहार विधानसभा की कार्यवाही देखने आई है। वहीं बिहार आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जगह बहुत पसंद आई है। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें विधानसभा में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई थी, जबकि बीते दिन यानी कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में बजट पेश किया गया था। रामचरितमानस विवाद पर शिक्षा मंत्री को धर्मगुरु राम भद्राचार्य ने दी चुनौती। बीते दिन एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी दी और कहा कि अगर कोई मेरे से इस बारे में बहस करना चाहता है तो मैं तैयार हूं। वहीं इनके इस बयान को लेकर अब धर्मगुरु राम भद्राचार्य के द्वारा उन्हें खुली चुनौती दी गई है और कहा गया है कि राम का अपमान किया जा रहा है और रामचरितमानस की गलत व्याख्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग रामचरितमानस को लेकर गलत बातें कह रहे हैं वो दरअसल
दरअसल मानस के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि रामचरितमानस में कुछ गलत नहीं लिखा है। अगर उन्हें रामचरितमानस को लेकर कोई भी संदेह है तो वो मेरे पास आए और मुझसे इस पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि जिन्हें क ख ग का ज्ञान नहीं है वे रामचरितमानस पर बोल रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल ने बनाई दूरी। कुछ दिनों पहले यह बात की जा रही थी कि बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि बोधगया में समापन के दिन राहुल गांधी नहीं आएंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन को लेकर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वे उक्त कार्यक्रम में शामिल हो सकती है। बता दें कि इस बात का संकेत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में की गई बैठक में दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आखिरी चरण की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होली के बाद मध्य मार्च से होगी, जो कि पटना के फुलवारी शरीफ होते हुए बोधगया में समापन होगी। मालूम हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर शुरू हुई बिहार कांग्रेस की पद यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी को बांका के मंदार पर्वत से हुई थी। इंदौर टेस्ट में 109 रनों पर सिमटी भारत की पहली पारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 109 रनों पर ढेर हो गए। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने भारतीय बल्लेबाजों की एक न चलने दी। 22 रन बनाने वाले विराट कोहली टीम के टॉप स्कोरर रहे। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी रही थी। केएल राहुल की जगह खेल रहे शुभमन गिल ने 21 रन बनाए, जबकि कप्तान रोहित 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। वहीं श्रेयस अय्यर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सभी विकेट स्पिनरों ने लिए। मैथ्यू कुनमिन ने सबसे अधिक 5 विकेट झटका। इनके अलावा नाथन लायन ने 3, जबकि टॉड मर्फी ने 1 विकेट झटके। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मुट्टू रंगीला, कुश कुमार यादव, बिट्टू कुमार राज, रवि कुमार राम, अर्जुन राम, मोहम्मद सकीर हुसैन, भान प्रकाश मौर्य, ब्रजेश कुमार, मृत्युंजय कुमार, दिलीप कुमार दनकर, नुन्नू गोलू कुमार, महमूद अंसारी, शंकर मुखिया, मोहम्मद नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार नीतीश सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं में से कौन सी योजना बिहार की जनता के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रही। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।